इंजन का हेड टाइट दे दिया हम, अभी ये पुश रॉड को फिटिंग करना पड़ेगा। कैम टैपिट जो है उसके अंदर सही तरह जाना होगा। हाँ हो गया, अभी रखा सेट, इस सेट को हम लोग फिटिंग करेंगे। हाँ हो गया, तो जो पुश रॉड है ये स्क्रू के अंदर दे देना चाहिए। इसके बाद हम लोग वो फ्लाई व्हील को घुमा के देखेंगे सही तरह गया के नहीं। पहले नाट को हम लोग फंसा देंगे, इसके बाद ये वर्सल है, ये नाट को हम लोग टाइट दे देंगे। तो पूरा टाइट देने से पहले एक काम है, वो काम करना होगा। ट्रैफिक का नीचे साइड में उंगली से दबा के रखना पड़ेगा, वरना बाहर निकाल आएगा। थोड़ा फ्लाई व्हील घुमाओ, हाँ घुमाओ, ये देखिए ये अप डाउन कर रहा है। एक इंजन फिटिंग करने के बाद ये रोकार सेट की ऊपर टोटली ध्यान देना चाहिए। आप मान लीजिए एडजस्टिंग सही नहीं है तो क्या प्रॉब्लम आ सकता है, ये सुनिए। इंजन ज़्यादा लोड नहीं लेगा, काला धुआं निकल आएगा, ज़्यादा तेल लेगा और बहुत ज़्यादा हीट होगा। तो ये सब प्रॉब्लम का मूल कारण होता है ये रॉकर एडजस्टिंग। ये सही नहीं होगा तो इंजन सही नहीं है, प्रॉब्लम है। और एडजस्टिंग सही होगा तो इंजन आराम से चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और नहीं होगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाएगा इंजन में, जैसे गैस्केट जो है वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो पहले फ्लाई व्हील को घुमा के देखना पड़ेगा जे सही तरह गया कि नहीं। घुमाओ घुमाओ घुमाओ, हाँ घुमाओ घुमाओ, हाँ धीरे धीरे, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा, हाँ सही है। अरे मेरा कैमरा मत हिलाओ, हाँ घुमाओ घुमाओ, हाँ सही पोजीशन में गया, हाँ घुमाओ घुमाओ, बस रुको। सही पोजीशन में गया तो यहाँ हम लोग टाइट दे देंगे। बस टाइट हो गई, तो अभी वाल्व टैफिट को एडजस्टिंग करेंगे। टैफिट सेट को हेड के साथ फिटिंग कर लिया, तो अभी पिस्टन टॉप में लेके आना पड़ेगा। तो टॉप पे आने से यहाँ देखिए, यहाँ अप डाउन करेगा टैफिट, हाँ ये टॉप में है। पिस्टन जब टॉप में आएगा तो ये बराबर ऐसे ही हिलेगा दोनों टैफिट, तो तभी समझ में आएगा यहाँ टॉप में है पिस्टन। यहाँ देखिए फ्लाई व्हील में TDC का मार्किंग दे दिया कंपनी ने, 0, 10, 20, 30। ये मार्किंग को हम लोगों का फॉलो करना होगा। ये देखिए थोड़ा घुमाना पड़ेगा, ये 0, 10, 20, 30। अभी देखना होगा पिस्टन टॉप में आकर कहाँ रहता है ये मार्किंग, अभी घुमाना होगा। हाँ घुमाने के बाद वो टैफिट जब अप डाउन करेंगे उसी 20 में रख कर देखेंगे जीरो मार्किंग किस पोजीशन में है। ठीक जहाँ है फ्लाई व्हील को उल्टा घुमा के फिर से वो उसी जगह पे लेके आना पड़ेगा। पहले मार्किंग आ गया, देखो अभी, हाँ यहाँ है, यहाँ देखिए, यहाँ चले आइए, यहाँ इंजन का पिस्टन टॉप में है, इस जगह में टैफिट को हम लोग एडजस्टिंग करेंगे। तो चलिए एडजस्टिंग कर लेते हैं। तो इस वाल्व टैफिट को एडजस्टिंग करने के लिए इस गेज का नाप इस्तेमाल करेंगे हम लोग। यहाँ देखिए इसी में लिखा है 0.25 और ये 0.20, तो हम लोग ये 20 को इस्तेमाल करेंगे, इस इंजन के लिए बिल्कुल सही है। ये है 25 और ये है 20, हम लोग ये 20 को इस्तेमाल करेंगे। लेकर
पहले इस एडजस्टिंग स्क्रू को खोलना होगा। खोलने के बाद इस गेज को ट्रैफिड और वाल्व के बीच में ऐसे रखना चाहिए, ज़्यादा लूज ना हो जाए या ज़्यादा टाइट ना हो जाए, ऐसे पोजीशन में रखना चाहिए। ऐसे पोजीशन में रखना चाहिए। यह बिल्कुल सही है, ऐसे ही बस। ये जो रुक गया, ठीक इसी पोजीशन में हम लोग लॉक कर देंगे। ख्याल रखना होगा ये जो एडजस्टिंग स्क्रू है ये घूमे ना जाए, अच्छी तरह टाइट देना पड़ेगा, क्योंकि बाद में खुले ना जाए, खुलने से प्रॉब्लम हो जाएगा। बस ये ओके। साइलेंसर का हो गया, अभी एयर क्लीनर का बारी है, दूसरे का पकड़ो। तो एक चीज़ ध्यान देना चाहिए, पुराना इंजन के लिए ये काम करने के लिए वाल्व और टैपिड का फेस बिल्कुल सही होना चाहिए। बस तो यहाँ लॉक करना होगा। तो हम लोग इस गेज को सचराचर यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि पुराना जो इंजन होता है उसका वाल्व और टैपिड का सर बैठ जाता है। एकदम ओके है, सही है, ये भी सही है। तो इस वाल्व टैपिड का एडजस्टिंग हम लोग कर लिया, बहुत अच्छा हुआ। इस बार हम बॉक्स को फिटिंग करेंगे। ये जो क्लियरेंस आया है इंजन में, बहुत अच्छा साउंड आएगा। ये इंजन खोलने की टाइम में मैं एक बात कहा था एक रोग के बारे में, जो ये पुश रॉड एडजस्टिंग स्क्रू से नीचे गिर जाता है। तो इस रोग के बारे में थोड़ा बात करेंगे। देखिए इस डिकम्प्रेसर लीवर को देख रहे हो, इसका काम है वाल्व को दबाना। ये है डिकम्प्रेसर लीवर। तो ये लीवर अगर वाल्व को ज़्यादा दबा देता है तो नीचे स्क्रू क्लियर हो जाता है। एडजस्टिंग स्क्रू के अंदर थोड़ा ग्रुप होता है, उस ग्रुप में पुश रॉड सेटिंग रहता है। जब लीवर वाल्व को ज़्यादा दबा देता है तो स्क्रू ऊपर उठ जाता है और पुश रॉड क्लियर हो जाता है और नीचे गिर जाता है। तो सबसे पहले यहाँ ख्याल करना पड़ेगा, ये जो सेट है ये सही है कि नहीं, एक नंबर। और दो नंबर, यहाँ वर्सल कितना है ये देखना पड़ेगा। यहाँ कम होगा तो ज़्यादा दबा देगा और क्या होगा, नीचे स्क्रू क्लियर हो जाएगा, पुश रॉड नीचे गिर जाएगा। तो हम लोग जब फिटिंग करेंगे तो ये चीज़ के ऊपर बहुत अच्छी तरह ध्यान देना पड़ेगा। ये बॉक्स को हम लोग जब फिटिंग करेंगे तब देखेंगे ये लीवर कितना दबाने के बाद वाल्व में टच हो रहा है। ये जाकर डायरेक्ट टैपिड में टच होता है। अब देखना पड़ेगा कितना दबाने के बाद टच हो रहा है। ज़्यादा हिलाने से टच हो रहा है तो सही है, लेकिन थोड़ा कम इधर, ये जो जितना हिल रहा है उतने से आधा बीच में जब आएगा, ये जो आधा आएगा तो प्रॉब्लम है। तो इसमें और एक बर्सल देना होगा। तो थोड़ा कम होगा तो ज़्यादा दबाएगा वो नीचे पुश रॉड गिर जाएगा। तो चलिए ये फिटिंग कर देता हूँ। और ये जो रोग है ये 90 इंजन का ये कॉमन रोग है, ज़्यादा से ज़्यादा इंजन में यही रोग मिलता है। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, जो इंजन में वाल्व डाउन होता है हेड से, तो उस वाल्व टैपिड की तरह बाहर निकल आते हैं, और डिकम्प्रेसर लीवर जब दबा देता है तो स्क्रू के अंदर से पुश रॉड बाहर निकाल जाते हैं और नीचे गिर जाता है। साइलेंसर, एयर क्लीनर और तेल की पाइप फिटिंग करने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। हाँ ठीक है, ठीक है। ये देखिए जितना डाउन हो रहा है तो सही है, लेकिन और भी थोड़ा डाउन होगा, कम डाउन होगा तो इंजन घुमाने से बहुत प्रॉब्लम, बहुत दिक्कत आएगा। तो ये चीज़ को भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा। वाल्व को कम दबाएगा
तो कंप्रेसर क्लियर नहीं कर पाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा इंजन में और बहुत टाइट हो जाएगा इंजन। तो हैंडल से घुमाएगा जब तो बहुत बहुत तकलीफ उठाएगा। कंप्रेसर क्लियर नहीं होगा तो हर टाइम बहुत टाइट रहेगा इंजन। बहुत बहुत अच्छा साउंड आ गई। तो अभी लोड बहुत अच्छा लेगा और धुआं नहीं आएगा, एकदम एकदम गारंटी अच्छा साउंड हुआ। तो ये 90 इंजन है तो पहले जैसे चल रहा था काला धुआं निकल रहा था और लोड नहीं ले रहा था। तो इस बार कोई धुआं नाम का चीज़ नहीं मिलेगा इस इंजन में और लोड ज़्यादा लेगा। आपका मूल्यवान समय देने के लिए धन्यवाद।